जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कंफर्म किया था लास्ट कि हम लोग कैसे एंगल निकाल रहे थे और टाइम निकाल रहे थे, तो आपको अगर इसके अगर आपको देखना है तो आप क्लॉक का पार्ट वन और पार्ट टू देख सकते हैं। आज जो हम लोग आज कंफर्म करने जा रहे हैं वो आज हम लोग करेंगे फॉल्टी क्लॉक। फॉल्टी क्लॉक में थोड़ा सा क्या दिक्कत आती है कि हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि कब घड़ी लॉस कर रही है और कब घड़ी गेन कर रही है, तो हम लोगों को इस चीज़ को देखना चाहिए कि कब घड़ी लॉस कर रही है और कब घड़ी गेन कर रही है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि हमें हमेशा जब भी कभी इस तरह की दिक्कत आए तो हम एक अपनी तीन घड़ी बना लें, क्योंकि एक घड़ी क्या होगी, हमारी राइट टाइम घड़ी होगी, एक घड़ी हमारी वो होगी जो लॉस कर रही होगी, और एक घड़ी मेरी कौन सी होगी जो गेन कर रही होगी। तो आप एक जैसे आप कभी भी बात करें तो एक ऐसी अपनी घड़ी बना लीजिए जो राइट टाइम है घड़ी, तो हम उसको राइट टाइम ही चलाएंगे। एक घड़ी का ऐसी चला लीजिए जो हमारी घड़ी क्या कर रही होगी, लॉस कर रही होगी, हम उस घड़ी को लॉस चलाएंगे। एक घड़ी हमारी कौन सी घड़ी होगी, गेन टाइम, जो घड़ी हमेशा क्या कर रही होगी, गेन कर रही होगी। तो कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए, अगर आप कोई भी घड़ी को आप बना रहे हैं, मान के चलिए कि ये मेरी घड़ी क्या है, राइट टाइम। कोई भी एक क्वेश्चन अगर मैंने ऐसे सिंपल से बात करता हूँ कि अगर मैं आज 1 बजे जब मैंने अपनी घड़ी देखी तो मेरी राइट टाइम थी, ठीक है, और फिर मैंने देखा उसको 6 घंटे बाद को 15 मिनट क्या हो गई, फास्ट हो गई। तो घड़ी अगर फास्ट की है, क्या हुई है, गेन हुई है, क्या किया है, गेन किया है। तो कभी भी घड़ी राइट टाइम से गेन की तरफ जा रही है तो कितना गेन किया है, तो जितना भी गेन किया है तो उस राइट गेन वाली घड़ी में कितना कर देंगे, उस चीज़ को प्लस कर देंगे, क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, ठीक है। अगर मेरी घड़ी कोई गेन वाली घड़ी है, क्या घड़ी है, कोई गेन की घड़ी है, और वो परमानेंट घड़ी, मैंने बोला कि आज अभी मेरी घड़ी 12 बजा रही है, क्या बजा रही है, 12 बजा रही, अब 12 बजा रही है तो मैंने कहा कि ये 15 मिनट क्या है, फास्ट है, क्या है घड़ी, अगर ये मेरी घड़ी 15 मिनट फास्ट है तो मेरी राइट टाइम घड़ी क्या हो रही होगी, कितने घड़ी हो रही होगी, मतलब 11:45, क्यों, क्योंकि जो मेरी घड़ी गेन है और गेन वाली घड़ी से राइट टाइम की घड़ी की तरफ हम लोग आएंगे तो जितना भी गेन कर रही है, अगर 15 मिनट गेन कर रही है ना, तो 15 मिनट अगर गेन किया है तो उतना ही 15 मिनट इसमें क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। बहुत सिंपल होता चला जाएगा अगर हम लोग क्वेश्चन को उसी तरह से सॉल्व करेंगे। अब देखिए यही चीज हम लोग आ जाते हैं लॉस वाले पे। अगर मैंने कहा कि मेरी घड़ी अभी जो मैंने 12 बजे गाड़ी को राइट टाइम किया, लेकिन जब मैंने 6 घंटे बाद अपना टाइम देखा तो उस समय मेरी घड़ी में क्या बज रहा था, 5:45 हो रहा था, कितना हो रहा था, 5:45। तो अब मेरी घड़ी ने लॉस किया या गेन किया, सिंपल है, लॉस किया, 15 मिनट लॉस किया। अब अगर हम लोग राइट टाइम से लॉस की तरफ जाएंगे तो अगर लॉस कर रहा है, जितना मिनट लॉस कर रहा है तो इतने की तरफ करेंगे, माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। मेरी घड़ी में कितना बजना चाहिए था, 6 घंटे बाद हुई तो मैंने कहा 12 से कितना बज रहा था, 6 बज रहा होगा, लेकिन अब मेरी घड़ी कितना कर रही है, 5:45 बजा रही, तो मेरी घड़ी ने क्या किया है, लॉस किया है, क्या किया है, लॉस किया था। जितना लॉस किया है उसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। लेकिन अगर मैं लॉस वाली घड़ी से राइट टाइम की तरफ जाऊँ, मैंने कहा कि मेरी घड़ी में 12 बज रहा है, मेरी घड़ी में क्या बज रहा है, 12 बज रहा है, और वो 15 मिनट लेट है, कितना लेट है, 15 मिनट लेट है, तो 15 मिनट लेट है, इसका मतलब मेरी राइट टाइम घड़ी क्या हो रही होगी, 15 मिनट क्या हो रहा होगा, ऐड हो रहा होगा। क्यों, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, क्योंकि अगर मेरी घड़ी में क्या बज रहा है, 12 बज रहा है ना, और वो 15 मिनट क्या है, लेट है, तो मेरी राइट टाइम घड़ी वही 15 मिनट क्या कर देगी, ऐड कर देगी, क्या कर देगी, ऐड कर देगी। तो हम लोग वहाँ पे क्या कर लेंगे, प्लस कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। देखिए आप, हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू इस चीज़ को समझ लेते हैं। ए क्लॉक बिकम्स 15 मिनट फास्ट एवरी डे, ठीक, पहले 15 मिनट फास्ट कितने में, एवरी डे यानी 24 आवर्स में कितना कर रही है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक लिख लें कि 24 आवर्स में कितना किया है उसने, 15 मिनट, तो 1 आवर्स में कितना कर रही होगी, 15/24, सिंपल, 1 आवर्स में कितना कर रही होगी, 15/24। अब बहुत सिंपल से, अब इन्होंने बोला कि इफ़ इट इज़ मेड करेक्ट, मैंने कहा कि वो 12 बजे जब मैंने घड़ी क्या किया, अपनी राइट टाइम थी मेरी, ठीक है, कैस पे, कब, आफ्टरनून पे। अब बोला गया देन व्हाट टाइम विल इट सो एट 4 o'clock इन दी मॉर्निंग, अब ये किस वाले 4 o'clock मॉर्निंग की बात कर रहा है, नेक्स्ट वाले की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, नेक्स्ट वाले की बात कर रहा है। तो अब हम लोग 12 से स्टार्ट करेंगे तो 12 to 12 यानी रात के कितने बज गए, 12 बज गए, कितने घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए, और फिर 4 कितने हो गए, 16 घंटे, यानी मेरी घड़ी में 4 o'clock इन द मॉर्निंग। अब ये जो 4 o'clock लिखा गया है ये कौन सी घड़ी की बात कर रहा है, ये राइट टाइम की घड़ी की बात कर रहा है। ये बोल रहा है कि अगर मेरी घड़ी में क्या बज रहा था, 12 बज रहे थे, कितने बज रहे थे, 12 बज रहे थे, उसके बाद जब मेरी घड़ी में 4 बजना चाहिए था, कितना बजना चाहिए था, 4 बजना चाहिए था, तो वो पूछ रहा है कि इस समय कौन सा टाइम
सो कर रहा होगा, और मेरी घड़ी क्या है 15 मिनट फास्ट चल रही है, तो 15 मिनट अगर मेरी फास्ट चल रही है तो मैंने कहा कि 24 आवर्स में कितना 15 मिनट, तो 1 आवर्स में कितना 15/24 देन, तो मैंने आप बात करी है कि अब कितने आवर्स में चाहिए हमें, इस 12 से इस 4 के आवर्स में कितने हो जाएंगे, ये पीएम था ये एएम है, तो कितना हो जाएगा 16 आवर्स, तो हम लोग इसी को 16 आवर्स बराबर निकाल ले, तो ये क्या हो जाएगा देखिए 16 आवर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 15/24 × 16 कितना हो जाएगा 16, अब देखिए 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24 और 3 × 5 = 16 आवर्स में कितने मिनट उसने गेन किए 10 मिनट्स गेन किए, कितने किए 10 मिनट्स गेन किए, अब 16 आवर्स में 10 मिनट्स गेन किए हैं, तो अब देखिए मेरी यानी घड़ी, अब कौन सी घड़ी बता रहा होगा मेरी कौन सी घड़ी है बता रहा है, गेन वाली घड़ी बताएगा कि राइट टाइम घड़ी बताएगा, राइट टाइम तो 4 AM होना ही चाहिए था, मेरी घड़ी कौन सी बता रहा होगा, गेन वाली घड़ी बता रहा होगा, कितने मिनट गेन किया 10 मिनट गेन किया, तो हम लोग प्लस करेंगे कि क्या करेंगे प्लस करेंगे, गेन किया है तो यहाँ पे प्लस कर दीजिए, कितना बचा रहा होगा 4/10 कोई दिक्कत इसमें, देखिए अब क्या है कि अगर हम लोग बस इसको ये बस ध्यान रखना है कि कौन सी घड़ी कितना गेन कर रही है, कभी कभी जब लॉस वाली हम लोग को ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आती हैं, जब हम बोला घड़ी क्या कर रही हो, जब मेरी घड़ी लॉस कर रही थी, क्या कर रही हो घड़ी लॉस कर रही थी, और घड़ी फिर आगे चल के क्या कर जाए गेन कर जाए, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन में दिया होगा कि आपकी घड़ी क्या करती है, या तो लॉस कर रही होगी या फिर क्या कर रही होगी गेन ही कर रही होगी, ठीक है, तो हम लोग इसको दूसरे क्वेश्चन से इस चीज़ को और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, बोला गया है कि अगर a watch is 1 minute slow, अब देखिए घड़ी का सीधी से बात है, पहले पूरा क्वेश्चन, एक कभी भी आप लोग फॉल्टी क्लॉक करें तो एक बार जरूर पूरा क्वेश्चन पढ़ लें, या तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कभी क्वेश्चंस में बहुत जल्दी हो सकता है कि हम लोगों को आंसर क्वेश्चन पढ़ते ही आ जाए, या कभी हम लोग कभी अगर इस चीज़ ले चल रहे हैं कि कोई थोड़ी ये देखना पड़ेगा कि घड़ी गेन कर रही है या क्या कर रही है लॉस कर रही है। देखिए अब ये क्वेश्चन आप पहले कर लेते हैं, बोला गया है ए वॉच इज 1 minute slow, क्या है 1 minute slow एट 1 PM ऑन ट्यूजडे, मेरी घड़ी में ट्यूजडे को क्या बज रहा था 1 बज रहा था, क्या बज रहा था 1 बज रहा था, और वो 1 मिनट क्या थी स्लो थी, क्या थी वो 1 मिनट स्लो थी। अब देखिए नेक्स्ट लिख पड़ी है क्या है एंड 2 मिनट फास्ट एट 1 PM ऑन थर्सडे, जब मैंने थर्सडे को 1 बजे देखा अपना टाइम, मेरा घड़ी में राइट टाइम कितना होना चाहिए था 1 बजना चाहिए था, लेकिन घड़ी क्या थी 2 मिनट फास्ट हो रही थी। अब ये बताइए घड़ी गेन कर रही है या लॉस कर रही है, सिंपल है कि घड़ी क्या कर रही है गेन, क्यों, क्योंकि पहले 1 मिनट मेरी क्या थी स्लो थी, इसके बाद 2 मिनट फास्ट हुई, ट्यूसडे से थर्सडे के बीच में घड़ी ने गेन किया या क्या किया गेन किया ना। अब देखिए अब उन्होंने पूछा कि ऑन थर्सडे देन व्हेन डिड इट सो द करेक्ट टाइम, अच्छा करेक्ट टाइम की जब बात आती है हम लोग बोलते हैं कि यार अब क्या करना है कि करेक्ट टाइम कब होगा, मतलब अब आपको ये समझना है कि जब मेरी घड़ी क्या थी 1 minute slow थी, क्या थी 1 minute slow थी, और उसके बाद क्या हुई है 2 minute fast हुई है, तो अब आपको ये समझना ज़रूरी है कि मेरी घड़ी राइट टाइम कब होगी, तो राइट टाइम मेरी तभी होगी जब वो जब घड़ी क्या कर रही है गेन कर रही है, जब घड़ी गेन कर रही है तो जब मेरा वो 1 मिनट गेन कर ले जाए, क्या कर ले जाए 1 मिनट मेरा गेन कर जाए, तो मेरी घड़ी क्या हो जाएगी राइट हो जाएगी। क्वेश्चन जब हम लोग इसको पलट दें, क्या कर दें पलट दें, जब क्वेश्चन जैसे ही पलटा तो देखिए मैंने कहा कि अगर ये 2 मिनट मेरी क्या घड़ी फास्ट थी, क्या थी 2 मिनट फास्ट थी, और 1 मिनट क्या हो गई स्लो हो गई, जब मैंने दोबारा देखा तो वो क्या हो गई 1 मिनट स्लो हो गई, तो घड़ी ने लॉस किया या गेन किया लॉस किया। अब घड़ी ने लॉस किया तो मैंने कहा कि अब घड़ी कब क्या होगी राइट टाइम कब होगी, तो अब एक बात बताइए जब घड़ी मेरी 2 मिनट फास्ट थी पहले, अब क्या हो गई है 1 मिनट स्लो हो गई है, तो घड़ी धीरे धीरे लॉस हुई होगी, पहले ऐसा तो हुआ कि नहीं एकदम से उठ के लॉस हो गई होगी, तो उसने अगर ये 2 मिनट मेरा लॉस वाला जो सिस्टम है कि अब ये जो 2 मिनट गेन था उसके पास, ये जब धीरे 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 करके क्या हुआ होगा, इसलिए 2 मिनट अपना कवर किया होगा, तभी मेरी घड़ी उस समय क्या हो गई होगी राइट टाइम हुई होगी कि नहीं होगी, तो मेरे वो घड़ी 2 मिनट अगर कवर कर ले जाए तो मेरी घड़ी उस समय क्या कर देगी राइट टाइम। ये जरूर फंडा जरूर समझने का है कि मेरी घड़ी राइट टाइम कब होगी। अब इसीलिए मैंने आपको पहले बताया कि 3 घड़ी हम लोग हमेशा बनाते हैं, क्या एक हमने बनाती है अपनी कौन सी लॉस वाली, और एक कौन सी बनाते हैं
राइट टाइम वाली, और एक कौन सी बना लेते हैं, गेन टाइम। इससे बहुत सिंपल है, हो जाता है। अब देखिए, मैंने बोला कि 1 मिनट स्लो एट 1 PM, तो मेरी जो घड़ी थी राइट टाइम वाली वो 1 PM क्या थी, 1 PM पर राइट टाइम थी। कब, ट्यूसडे को 1 PM क्या थी, तो मेरी घड़ी 1 मिनट क्या थी, लॉस पे थी। तो मेरी घड़ी में इस समय यहाँ पर क्या बज रहा होगा, राइट टाइम से हम लोग लॉस की तरफ जा रहे हैं, 1 तो कितना जा रहे हैं, क्या हो जाएगा 1 मिनट, तो 1 मिनट माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 12 मिनट, ठीक है, कितना हो गया 12:59। ये मेरी ट्यूसडे को इतने पे थी टाइम, ठीक है, होना कितना चाहिए था 1 PM, है कितना रहा है। आप देखिए, अब उन्होंने कहा कि 1 PM ऑन थर्सडे, तो देखिए 1 PM ऑन थर्सडे मेरी घड़ी राइट टाइम होनी चाहिए थी, लेकिन अब घड़ी ने क्या किया है, गेन किया है, तो कितना गेन किया है, 2 गेन किया है, तो हम लोग कितना करना है, +2 कर, यानी इस समय मेरी घड़ी में कितना टाइम हो रहा होगा ऑन थर्सडे, होना चाहिए नहीं होना चाहिए बताइए। अब देखिए, होना तो ये चाहिए था। अब उन्होंने जब ये क्वेश्चन बोला कि व्हेन डिड इट शो द करेक्ट टाइम, तो अब देखिए करेक्ट टाइम वाली जैसी बात आ गई कि करेक्ट, तो देखिए करेक्ट कहां पे होना चाहिए था, जहां पे मेरी 1 मिनट क्या थी, घड़ी स्लो थी, जहां पे मेरी 1 मिनट अगर मेरा ये गेन कर लेती तो मेरी घड़ी क्या हो जाती, राइट टाइम हो जाती, क्या हो जाती, राइट टाइम हो जाती। अब देखिए कैसे क्या करना है, अब इस ट्यूसडे से इस थर्सडे तक आना है, किससे यहां से आना है, इस ट्यूसडे से थर्सडे तक, तो देखिए इस ट्यूसडे से, अगर इस ट्यूसडे से क्या आएंगे, पहले वेडनेसडे आएंगे, वो 1 PM ट्यूसडे से 1 PM वेडनेसडे, कितने आवर्स हो गए, 24 आवर्स, और फिर वेडनेसडे से कहां तक आएंगे, थर्सडे तक, कितने आवर्स हो गए, 48 आवर्स में कितना गेन कर रही है, क्योंकि घड़ी फॉर्मली क्या कर रही थी, गेन कर रही थी, क्यों, क्योंकि हमें ये पता था पहले मेरी घड़ी क्या थी, 1 मिनट स्लो थी, और इसके बाद जब मैंने ट्यूसडे के बाद थर्सडे देखा तो मेरी 2 मिनट क्या हो गई, फास्ट, तो मेरी घड़ी ने क्या कर रही होगी, गेन ही कर रही थी, ठीक है, तो घड़ी ने 48 आवर्स में कितना गेन किया, 3 मिनट्स गेन किया, और मुझे कितना गेन करने पर राइट टाइम हो जाना चाहिए, मेरा अगर 1 मिनट गेन कर ले तो मेरा क्या हो जाएगा, राइट टाइम, क्योंकि मेरी जब यही तो 1 मिनट स्लो है, क्या है ये, यही 1 मिनट स्लो है, अगर ये मेरा जब ये 1 मिनट इसने स्लो से क्या हुआ होगा, जब धीरे धीरे गेन किया होगा ये 1 मिनट सेकेंड वाइज, तो मेरा जब ये 1 मिनट जैसे ही गेन हुआ होगा मेरी घड़ी क्या हो गई होगी, राइट टाइम होगी। तो हम इसको 1 मिनट बराबर गेन करा ले उतने आवर्स पे, तो आप देखिए 1 मिनट बराबर करा लीजिए, तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 48/3, तो 3 से इसको कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 × 1 = 3, कितना हो जाएगा, तो 16 आवर्स, तो 1 मिनट गेन करने के लिए उसको कितने आवर्स लग रहे हैं, 16 आवर्स लग रहे हैं, तो हम 16 आवर्स इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे राइट टाइम में, तो 1 PM ऑन ट्यूसडे में आप क्या जोड़ दें, 16 आवर्स जोड़ दें, तो 1 PM पे अगर हम लोग 16 आवर्स जोड़ेंगे तो कितना टाइम हो जाएगा, यानी मेरा जो राइट टाइम होगा, मेरी घड़ी जब भी राइट टाइम होगी क्या होगी, राइट टाइम होगी, वो कब होगी, 5 AM ऑन वेडनेसडे। देखिए बहुत ही सिंपल सा इसका लॉजिक है, गेन और लॉस के फॉल्टी क्लॉक में कोई भी आपका आपका कोई भी फॉर्मूला नहीं लगता है, ठीक है, एक सिंपल सा लॉजिक चलता है इसमें कि मेरे पास घड़ी को हम लोग जब भी कभी इस चीज़ के क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि कौन सी घड़ी मेरी लॉस की है और कौन सी घड़ी क्या है, गेन है। अगर हमने अपनी घड़ी को गेन और लॉस वाली घड़ी को बना ले गए तो हम कभी भी कोई भी फॉर्मूले की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम लोग क्लॉक की बात करते हैं या कैलेंडर की बात करते हैं या फिर और अदर रीजनिंग के टॉपिक की बात करते हैं तो रीजनिंग का मतलब ही होता है रीज़न, और रीज़न तभी छुपा होगा जब आप क्या लगाएंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन निकाल लें सिंपल, हम लोग कभी भी फॉर्मूले पे डिपेंड नहीं होंगे, ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है। तो अगर आपको यह समझ में आया हो इसको आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, थैंक यू सो मच।